जी, तो ये देखिए इस तरह कटिंग्स आप ज़ाया ना किया कीजिए, बाल रख लिया कीजिए, चाहे वर्जन है चाहे ट्रीटेड है, आप तजर्बा हासिल करेंगे। अब हम लेंगे और इसके थोड़ा सा जो है बाल निकाल लेंगे, लट जो हम यूज़ कर सकें, और इसको बैंड लगा लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हम लोग जो है ये बिखर ना जाए ना काम करते हुए। ये देखिए ये हो गया। अब जो ये बाकी बचे हुए बाल थे इनको भी हम बैंड लगा के रख देंगे। ये ऊपर से बराबर कर लिए, अच्छा लगता है ना साफ़ सुथरा काम, तो इसको बराबर करने के बाद अब ये देखिए जी, हम नाथ बाय कोरियन का हमारा ब्रांड है जो उसका ब्लॉन्डर यूज़ कर रहे हैं पाउडर। ये मैंने हाफ टी स्पून लिया और इसमें 10 वॉल्यूम, आज की क्लास में हमने 10 वॉल्यूम यूज़ करना है। ये पोस्ट कॉम का मैं ले रही हूँ और ये हाफ टी स्पून जो है ऐड करूँगी, यानी ये बराबर की मिकदार में जाएंगे। और ये देखिए इसको अब मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, इसमें कोई लंप ना रह जाए। और जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तभी हम अप्लाई करेंगे। अगर इसमें कोई लंप रह जाता तो आपके रिज़ल्ट में जो है वो ख़राबी आएगी, आपके पैचेस उससे भी आ जाते हैं। ये देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से भर भर के लगा लूँगी और अच्छी तरह इसको अंदर तक पेनिट्रेट करूँगी, ताकि जिस तरह हम मुर्गी को मसाला लगाते हैं ना, तो कोशिश होती है अच्छी तरह अंदर चला जाए। अब इसको मैंने उल्टाया है, बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर भी मैं इमल्शन जो है वो अपना पेनिट्रेट करवाऊँगी। ये देखिए ठीक है। अब जब ये आपका कंप्लीट लग जाए, आप मेक श्योर कर लें कोई जगह रह नहीं गई, कोई बाल नहीं रह गया, बाल बाल पे लग गया, तो आपने इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। तो हम लोग इसको लगाने के बाद जो है इसको रैप अप कर देंगे, फोल्ड कर देंगे साइड से, और फिर 20 मिनट के बाद देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या आया है। तो मिलेंगे फिर हम लोग अब 20 मिनट के बाद, तो स्टे ट्यून जी। तो 9 मिनट्स हो चुके हैं पूरे, तो अब हम इसे ओपन करेंगे और ये देखिए माइनर सा फ़र्क जो है वो आया है हमारे कलर में। ठीक है जी, अब हम इसको दोबारा से अच्छी तरह एमल्सीफाई करेंगे, ताकि ये एक दफ़ा फिर जो है अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए। और इसको मैंने इसीलिए उल्टाया भी है, और नहीं मैं लगा रही, उसी वाले को मैंने लगा दिया। तो अब इससे हम और 10 मिनट्स के बाद दोबारा खोल के देखेंगे कि रिज़ल्ट कहाँ तक पहुँचा। ठीक है जी। जी तो अब देखते हैं हम लोग के आया है हमारा रिज़ल्ट, कितना चेंज हुआ है मैक्सिमम टाइम में, कितना चेंज होगा ये देखिए। और थोड़ा सा फ़र्क जो है वो आ चुका है। अब ये जब वॉश होगा तब आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, अब हो गए हैं हमारे 10 मिनट्स के बाद, जब हमने पहले 20 दिए थे तो ये 30 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसे दोबारा जो है वो मिक्सअप करें और दोबारा इसे लास्ट 10 मिनट के लिए जो है छोड़ देंगे। ठीक है जी, तो अब मैं इसे और 10 मिनट्स दिए तो हो गए 40 मिनट्स। अब मैं इसे खोल रही हूँ और माइनर सा रिज़ल्ट आ गया। और इसके फ़ायदे क्या है ये कल के लेक्चर में पढ़ाऊँगी, अभी मैं आपको इसको वॉश करके और उसके बाद मैं आपको ड्राई करके दिखाऊँगी। ठीक है जी, ये देखिए ये वॉश होने के बाद रिज़ल्ट आया है। अब मैं इसको ड्राई करके आपको दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत कलर आया ना, 10 से भी हम लोग रिज़ल्ट दे सकते हैं। मैं आपको ड्राई करके दिखाती हूँ, ये देखें जी। ठीक है, ये मैंने धोया, इसको ड्राई किया और आयरन किया। अब ये क्या कलर था, ये कलर था ये। अब आपको पता चलेगा कि क्या हमने कोई कलर अचीव किया, फील हो रहा है ना आपको कितना डिम, ये देखिए नज़र आ रहा है क्या लेवल आ गया, कितना खूबसूरत मौका कलर आ रहा है। ठीक है, और ये था ये, इसमें से निकाला था। ये देखें इनकी टॉप्स जो हैं बिल्कुल सेम, और आहिस्ता आहिस्ता जाके ये देखें ये कलर हो गया चेंज, फील हो रहा है आपको, ये देखिए। अब अगर इस कलर की स्ट्रीक्स हो तो कितनी खूबसूरत लगे ना इन हेयर्स पे। आई थिंक सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ये इसकी बड़ी कमाल की बात यह है कि जब हम यही काम 10 लेवल से करते हैं तो बाल डैमेज नहीं होते, और जब
30-40 पे जाते हैं तो बाल डैमेज हो जाते हैं, ये देखें बहुत ज़बरदस्त टोनिंग सी दे दी और उसकी शाइन बरकरार है बाल की। ये है कलर कार्ड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये किसके साथ मैच है। ये देखिए इसके साथ नहीं, 1 नंबर डार्क है, 3 नंबर भी डार्क है। ये देखिए ये 4 के मैच के हैं हेयर्स, और जब हमने इनको 10 के साथ कलर अचीव किया तो ये देखिए ये जाके मैच कहाँ हुए, 7 नंबर के लेवल के साथ ये मैच हो रहे हैं, देख रहे हैं। तो यानी आप 3 लेवल ऊपर चले गए हैं सिर्फ 10 लेवल के साथ ही। ये देखें इसमें नीचे वाले हिस्से का शेड जो है वो 6 लेवल का भी आ रहा है, क्योंकि बाल घिसते हैं ना नीचे से, इस वजह से वहाँ से ज़्यादा नाजुक होते हैं। ये देखिए